बिहार में सत्ता विरोधी लहर और विपक्ष की कड़ी चुनौती को पार करते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बिहार में बहुमत का जादुई आंकड़ा हासिल कर लिया है। बता दें कि सत्तारूढ़ गठबंधन को 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में 125 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि विपक्षी महागठबंधन ने 110 सीटें जीती है। इसके साथ ही नीतीश कुमार का लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। हालांकि इस बार नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को 2015 में 71 सीटों की तुलना में इस बार 43 सीटें ही मिली है, और उस समय नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद की राजद के साथ कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव जीता था, और 75 सीटों के साथ राजद राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। वहीं मतगणना के शुरुआती घंटों में बढ़त बनाती नजर आ रही भाजपा को 16 घंटे चली मतों की गणना के बाद 74 सीटों के साथ दूसरा स्थान मिला है, जबकि जदयू को चिराग पासवान की लोजपा के कारण काफी नुकसान झेलना पड़ा है। वहीं लोजपा को एक सीट पर जीत मिली है, लेकिन उसने कम से कम 30 सीटों पर जदयू को नुकसान पहुंचाया है। वहीं भाजपा की 74 और जदयू के 43 सीटों के अलावा सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 4 और विकासशील इंसान पार्टी को 4 सीटें मिली है। वहीं विपक्षी महागठबंधन में राजद को 75, कांग्रेस को 19, भाकपा माले को 12 और भाकपा एवं माकपा को 2-2 सीट पर जीत मिली है, और इसके साथ ही नीतीश कुमार सातवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।